अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लोर. अब आई डोंट नो मैं क्या कहूँ कि हम लोग क्लोजली मैच को फॉलो करें क्योंकि मैच अभी शुरू नहीं है, या हम वेदर को फॉलो कर रहे हैं. वेल यही बैड न्यूज आ रही है अभी तक गाबा से कि टॉस अभी तक डिलेड है. बारिश अभी हल्की हो रही है और यू नो कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल ये देखे थंडर स्टॉर्म है, थंडर क्लैप्स बहुत ऊंची आवाज आ रही है गाबस में. जो लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि लाउड थंडर की आवाजें हैं. तो किस तरह स्काई ब्लू था मौसम और बिल्कुल अब मेटल ग्रे हो गया है आप देखिए गाबा को. बट यू नो गाबा मशहूर है टू हैव द बेस्ट ड्रेनेज फैसिलिटी, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर राइट नाउ कि अभी और भी बारिश, अभी एक घंटे में और वापस बारिश एक्सपेक्टेड है. सो ग्राउंड आर स्टिल कवर्ड. फर्स्ट T20 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताखीर का शिकार. So yes, umbrellas are out in Gaba, but हम लोग कराची में without rain, but always following the weather. मेरे साथ है season's finest पाकिस्तान क्रिकेटिंग के former captain राशिद लतीफ, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. चले अहमद आप हमारे पास आ गए हैं, तो पहले तो हम शुरू करेंगे स्क्वाड की बातें करने. अरे अगर हमारे पास फिर भी टाइम नहीं रहा तो फिर हम गाबा की बात करेंगे, हाउ अमेजिंग इट इज और कितनी अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि मुझे मैच देखने लग नहीं रहा. बट मे बी वी कैन स्क्वीज सम 5 ओवर्स गेम. बिल्कुल हो सकती है. सबसे मुश्किल होता है फातिमा ऐसी सिचुएशन में प्लेयर्स का यू नो फोकस रहना, क्योंकि जितने भी आप बड़े प्लेयर हैं, फोकस प्लेयर हैं, जैसी बारिशें होती है ना तो थोड़ा सा इंसान रिलैक्स हो ही जाता है जिसके अंदर, स्पेशली जब बारिश हो ना हो, अंदर जाके बाहर आना वहां बड़ा रिदम टूटता है. तो जो अच्छी टीमें होती हैं वो स्विच ऑन रहती है थ्रू आउट द टाइम, जब यू नो हल्की हल्की बारिश हो या तो तेज हो गई समय लगती है कि अब मैच होना नहीं है. तो बड़ी टेक्निकल सी एक सिचुएशन होती है, एज अ प्लेयर भी आप ऑन योर टोज रहना पड़ता है. बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी T20 के अंदर आराम से एक दो ओवर गंदे कर जाते हैं या एक दो ओवर गंदे खेल जाते हैं तो आप T20 के अंदर बहुत पीछे चले जाते हैं. तो मेरा ख्याल है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर जब बारिश होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां से छोड़ा है उन्हीं प्लान से स्टार्ट करना, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं. एंड राशिद लतीफ से भी बात करते हैं, यू नो लेट्स टॉक अबाउट टॉस. अगर टॉस होती है दिलचस्प होगा विद द कंडीशंस ऑफ वेदर के कौन जीतता है, व्हाट डू दे डिसाइड टू डू. देखिए इसमें जब शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट हो जाता है उसको मजीद शॉर्ट हो जाता है, तो हम प्लेयर ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी टीम में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो कि 10 ओवर 8 ओवर या 5 ओवर बहुत फास्ट खेल सकता है. न्यूजीलैंड का मैच याद होगा वर्ल्ड कप का, जब शॉर्ट हो गया था पाकिस्तान का तो हमने सोचा कि फखर जमान को डालना चाहिए, तो फखर जमान की बहुत याद आएगी आज पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान टीम को भी कि ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि कम ओवर में बहुत ज्यादा रन बना सके. तो अगर हम देखें तो इसमें कोई खातिर खार नाम ऐसे नजर नहीं आएंगे जो टीम है जो कि छोटे फॉर्मेट को या 10 ओवर या 5 ओवर में तेज खेल सके. लेकिन बॉलिंग में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा पेस अटैक है, स्पिन भी ऐसी है जो कि उनको कंट्रोल में कर सकते हैं. जी एंड राशिद आपको यू नो अब्बास आफरीदी का क्या रोल लग रहा है, डू यू थिंक कि वो आज प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं? अब्बास आफरीदी डेथ ओवर के बहुत अच्छे बॉलर हैं, जो कि मैंने उनको जितना 2 सीजन में फॉलो किया है मुल्तान सुल्तान के लिए, उनको उमर गुल की तरह वो 12वां 14वां 16वां 18वां या 20वां ओवर इनमें से चूज करते थे, नई बॉल कम की है. लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए शाहीन और हारिस ये 2 बॉलर डेथ ओवर में, तो उनको मौका कब मिलेगा मिडिल ओवर में, तो वहां पे क्योंकि बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है ये, विकेट लेते हैं ये, क्योंकि इनकी जो बैक ऑफ द हैंड है स्लो वन है वो रीड कम होती है, इसकी वजह से मिस हिट होती हैं, उनको बहुत ज्यादा विकेट्स मिलती हैं. अच्छे बॉलर हैं लेकिन ये देखना है कि आपको अगर प्लेयर भी डेवलप करने हैं, आमिर नहीं है जमाल, तो एक ऑलराउंडर तो आपको डेवलप करना है और फहीम अशरफ भी नहीं है टीम में, तो जहांदार खान ऐसी चॉइस है जिसको आप चांस दे सकते हैं. ठीक है एंड बट साहब आई मीन अब बैटिंग की हम बात करें तो बैटिंग में तो हमारे पास बड़े फ्रेश फेसेस हैं, हम साथ साथ स्क्वाड भी आपको दिखाएंगे. नो अकबर हसीबुल्ला है, इरफान खान है, उमेर यूसुफ है, साहबजादा फरहान है, 5-6 T20 मैचेस खेले हुए लोगों ने, बट आई थिंक मोस्ट थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस उस्मान खान के साथ है. आई एम इंटरेस्टेड टू नो एंड मुझे दिलचस्पी कि उस्मान खान अब मिडिल ओवर में कुछ कर पाएंगे या नहीं पाकिस्तान के लिए, नहीं बिकॉज वो भी अंडर द रेडार तो थे. बिल्कुल फातिमा, उस्मान खान जितने उनको मौके मिले और जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी उतनी तो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी. लेकिन आज अब इस मैच में जो सिचुएशन बन रही है, जाहिर है बाबर आजम कोई हार्ड हिटिंग बैटिंग नहीं करते, मोहम्मद रिजवान भी उतना तेज नहीं खेलते, तो अगर ये
पांच पांच ओवर का मैच होता है तो मेरे ख्याल में उस्मान खान के लिए ये आइडियल सिचुएशन होगी। और फिर उस्मान खान ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, जाहिर है दुनिया की मुश्किल कंडीशन है, फिर सलमान अली आगा एक और बैट्समैन है, तो पाकिस्तान की बैटिंग मेरे ख्याल में थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है बनिस्बत बॉलिंग के। मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो इत्तलात आ रही है ब्रिस्बेन से और जो वुलन गैबैक की हम पिक्चर्स देख रहे हैं, तो अब तो आगे फोरकास्ट की जा रही है थंडरस्टॉर्म की, तो लग नहीं रहा ये मैच होगा। लेकिन अगर छोटा मैच होता है, अभी आपको याद होगा जब अमेरिका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हम सुपर ओवर में गए, हम सुपर ओवर में जाके मैच हार गए, तो पाकिस्तान टीम बाज दफा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलती है, लेकिन इस छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान और छोटा फॉर्मेट अगर हो जाए फिर पाकिस्तान टीम के लिए सिचुएशन जरा मेरे ख्याल में ट्रिकी हो जाएगी। ठीक है, सो अभी से चांस शुरू हो गया है, अभी से प्लानिंग शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई कि आप शेप करें अपनी टीम 2026 के वर्ल्ड T20 के लिए। सो लेट्स सी कैप्टन रिजवान क्या करते हैं और प्लेइंग 11 तो आज बहुत दिलचस्पी होगी। अच्छा, मैं आप सबको अब चैलेंज दे रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेक में जा रही हूँ, आप तीनों को चैलेंज है कि अगर हमारा 5 ओवर्स का मैच होता है तो आपकी प्लेइंग मतलब आपकी फिर टीम क्या होगी फॉर अ शॉर्ट ऑफ अ मैच, सो आप लोग उस पर काम करें। अच्छा, मैं पेंसिल आपको अभी दे दी, मैं यही से फेंक दे बैठे हुए अब फातिमा चैलेंज दे गई थी, फातिमा इट्स अ गेम, इट्स नॉट अ गेम, मजाक, इट्स फन, इट्स फन। पहले अहमद टीम बनाएंगे उसको मैं फॉलो करूंगा। चलो आप लोग तीनों टीम बनाए, मैं ब्रेक ले लेती हूँ ना कि मैं भी मुझे भी अपनी टीम बनानी है। ठीक है, हम लोग यहाँ ब्रेक ले रहे थे, थोड़े से आपको गा की भी एक इमेज दिखाते जल्दी से क्विकली जाते जाते, थोड़ी सी बिजलियां वहां चमक रही है ज्यादा, उसकी फिक्र है सबको कि यू नो होपफुली हमें कुछ मैच देखने को मिल जाएगा, मगर एक घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में दोबारा बारिश की पेशगोई है। सो दिस इज गाबा एट द मोमेंट, ग्राउंड्स आर कवर्ड एंड लॉट्स ऑफ प्रेडिक्शंस ऑफ थंडरस्टॉर्म।